सो है गाइस, अगर अभी चाहे तो इंस्टाग्राम रील्स को अपनी गैलरी में सेव करना वो भी म्यूजिक के साथ, तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसका आप यूज करके बहुत ही आसानी से इंस्टाग्राम रील्स को म्यूजिक के साथ अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो। सो गाइस, आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। तो गाइस चलते हैं फोन के स्क्रीन पर और सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। और गाइस बहुत ही आसान है यानी कि इंस्टाग्राम रील्स को म्यूजिक के साथ अपनी गैलरी में सेव करना। सो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज यहाँ से आ चुका है फोन के स्क्रीन पर, देने यहाँ से इंस्टाग्राम भी ओपन कर लिया है, और गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम रील्स को गैलरी में सेव कर सकते हो डायरेक्टली म्यूजिक के साथ। सो गाइज आपको मैं रील्स वाले सेक्शन पर ले चलता हूँ, और जस्ट यहाँ से रील वाले सेक्शन पर जैसे ही हम आते हैं यहाँ से रील्स हमको दिखने लगता है। सपोज दैट मान लो कि इस रील्स को हमको सेव करना है, यहाँ से रील्स चेंज करते हैं दूसरा रील्स को लाते हैं, और चलो यहाँ से इसी रील्स को मैं आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ सीधे गैलरी में, आपको सेव करके बताने वाला हूं वो भी म्यूजिक के साथ। सो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल से यहां से आपको थ्री डॉट का ऑप्शन नीचे की साइड मिल जाता है, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो यहां से कुछ इस तरह का खुलकर ओपन हो जाएगा। यहां से आपको एक लिंक का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो आपको लिंक कॉपी हो जाएगा इस रील्स का, यानी कि जिस भी रील्स का लिंक को कॉपी करना है थ्री डॉट पर क्लिक करना है, देन यहां से लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसका लिंक कॉपी हो जाएगा। सो लिंक कॉपी कर लेने के बाद यानी कि जिस भी रील्स को डाउनलोड करना है उसका लिंक को कॉपी करना जरूरी है, देन यहां से आपको टेलीग्राम ओपन कर लेना होता है। आप बोलोगे कि टेलीग्राम क्यों ओपन करें, इंस्टाग्राम रील्स को सेव करना है गैलरी में, तो मैं आपको टेलीग्राम से बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम रील्स को म्यूजिक के साथ अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो टेलीग्राम से। सो यहां से आपको टेलीग्राम जैसे ही ओपन करते हो ऊपर की साइड एक सर्च बार मिल जाता है, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो यहां से सर्च पैनल खुलकर ओपन हो जाता है। यहां से क्या सर्च करना है मैं आपको बता रहा हूं। सो आपको यहां से क्या सर्च करना है, इंस्टा सेव, क्या सर्च करना है इंस्टा सेव, आपको बोल्ड अक्षर में ऊपर की साइड दिख जाएगा, सेम टू सेम उसी तरह से सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से हिंदी टाइपिंग हो रहा है। सो कुछ इस तरह से आपको सही सही टाइपिंग कर लेना है यानी कि सर्च कर लेना है, इंस्टा सेव लिखकर कुछ इस तरह से सर्च करोगे तो यहाँ से आपको एक बोट दिख जाएगा कुछ इस तरह का, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से कुछ इस तरह का खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। सो इसके बाद यहाँ से आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो अरबी में कुछ लिखा हुआ है एक इंग्लिश लिखा हुआ है, तो हमको इंग्लिश वाले ऑप्शन पर जस्ट क्लिक करना है, ऊपर वाले समझ में नहीं आएगा इसलिए हम इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सो इसके बाद यहां से आपको क्या करना होता है, जो आपने लिंक को कॉपी किया है यहां पे पेस्ट करना होता है, यानी कि जिस भी रील्स को आपको डाउनलोड करना है उस लिंक को वहां से कॉपी करना है, देन यहां से पेस्ट करना है, केवल पेस्ट करना है। उसके बाद यहां से रील ऑटोमेटिक यहां से आ जाएगा यहां पे, और यहां से हम जैसे यहां पे लिंक को पेस्ट करते हैं और देन यहां से सेंड करते हैं, उसके बाद यानी थोड़ा देर के बाद आपको देखेंगे यानी कि जस्ट 1 सेकेंड के बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि रील आ चुका है और ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो चुका है। अगर आप में नहीं डाउनलोड हो रहा है तो उसके लिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ से ऊपर की साइड जो थ्री डॉट मिलता है जिस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ से सेव टू डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलता है, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी गैलरी में ये रील सेव हो जाएगा। देन यहाँ से आपको एक मेन्यू का ऑप्शन मिलता है जिस पर आप क्लिक करके आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ से ऐड कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ से कोई भी अदर वेबसाइट या एप्लीकेशन पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यानी कि लॉगिन करना। सो यहाँ से आप लॉगिन मत कीजिएगा, और देन यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे इंस्टाग्राम रील्स जो हमने सेव किया है वो हमारी गैलरी में शो कर रही है कि नहीं। सो इसके लिए सिंपल से यहाँ से फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं सो यहाँ से हमारी फाइल मैनेजर ओपन हो चुकी है, और यहाँ से वीडियो वाले सेक्शन पर जाते हैं एंड यहाँ से वीडियो को करते हैं प्ले, और जो फर्स्ट में आया हुआ है अभी जस्ट 1 मिनट पे एगो और लिख रहा है यहाँ से। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से हमारी जो हमने इंस्टाग्राम रील्स को सेव किया था यहाँ पे शो कर रहा है, और इसमें यानी कि साउंड भी है म्यूजिक भी है। और गाइस जी आप इसी तरह से अपने इंस्टाग्राम रील्स को बहुत ही आसानी से आप सेव कर सकते हो अपनी गैलरी में। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर एक नए वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।